हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कभी कभी हॉरोस्कोप में मंगल की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, और मंगल की स्थिति अगर ख़राब है तो क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, लड़ाई झगड़े पे उतर आता है व्यक्ति, और तोड़ फोड़ तक कर देता है, और बात बात पे गुस्सा करना, मतलब नेगेटिव जो है वो रिजल्ट ज़्यादा मिलते हैं, पॉजिटिव चीज़ें कम मिलती हैं मंगल अगर ख़राब है। मंगल अगर अच्छा है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं, अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। अगर आपका मंगल ख़राब है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ख़राब युति में है या एस्पेक्ट में है, तो एक बहुत बढ़िया आपको रेमेडी बताने वाली हूँ। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको अगर आपको मंगल को अच्छा रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि खराब मंगल की किसका होता है, खराब मंगल होता है एक चोर डाकू जिसके अंदर गलत काम को करने की हिम्मत होती है, और अच्छा मंगल होता है जैसे पुलिस वाले हो गए, सेना में जो सैनिक हो गए और डॉक्टर हो गए, इस तरह के जो लोग हैं उनका मंगल बहुत अच्छा होता है, इसीलिए वो अच्छे तरीके से अच्छी स्थिति में जा कर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, मतलब अच्छे रिजल्ट अच्छे प्रभाव पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। खराब मंगल जो है वो आपको डाउनफॉल में ही लेकर के जाता है, क्योंकि वो गलत चीज़ों के लिए हिम्मत देता है। जैसे जो मर्डर होते हैं, किसी का खून कर दिया, किसी के साथ चोरी बेईमानी कर ली, किसी को मार दिया, लड़ाई झगड़ा कर दिया, तो इस तरह का जो मंगल है, खराब मंगल है, बहुत ख़राब प्रभाव देता है, और आगे जा करके बहुत ही ज़्यादा बुरे जो है वो रिजल्ट लेकर के आता है। दोस्तों, अगर आप अपने मंगल को अच्छा करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको करना क्या है दोस्तों, आपको नीम का एक पौधा लगाना है, और उस नीम के पौधे को बहुत अच्छे से केयर करनी है, क्योंकि जो नीम का कारक है, जो मंगल का कारक है, वो नीम के पौधे को भी माना गया है। नीम कड़वा होता है, नीम सारी नेगेटिविटीज़ को दूर करता है, नीम के बहुत ज़्यादा औषधीय गुण भी होते हैं, नीम हर तरह से बेनिफिशियल है, आपको अच्छी हवा देता है, प्यूरीफाई करके हवा अच्छी देता है, ऑक्सीजन उससे मिलती रहती है, और फिर जो छोटे मोटे आसपास जितने भी जर्म्स हैं, जो कि कीड़े मकोड़े हैं, जहरीले हैं, वो भी दूर चले जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह से अगर अपने घर से थोड़ा सा दूर आसपास जो है आप नीम का पेड़ लगाते हैं, तो नीम के पेड़ को अगर आप बहुत अच्छे से प्रॉपर केयर करके बहुत अच्छा ग्रो कर लेते हैं, और उसको कभी भी हटाते नहीं हैं, या फिर कहीं उसको, पहली चीज़ तो यह है कि आप उसको ऐसी जगह लगाइए जो कि वो पनपता रहे, कभी भी कोई इसको हटा ना पाए, कहीं पर भी घर से थोड़ा सा चाहे दूरी लगाना पड़ जाए, लेकिन अगर आप नीम का बहुत अच्छा सा पौधा लगाते हैं और केयर करते हैं उसकी, तो आप देखेंगे कुछ ही टाइम बाद आपका मंगल जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने लगेगा। नीम और पीपल एक ऐसे पौधे हैं जिनको लगाने से जो आपके ग्रह बहुत अच्छे हो जाते हैं। जैसे पीपल को लगाने से शनि ग्रह जो है वो बहुत शांत हो जाते हैं, शनि ग्रह प्रसन्न भी हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं। इसी तरह से नीम के पौधे को बड़ा करके वृक्ष का रूप जो है वो जब ले लेता है, क्योंकि पौधा तो लगाया आपने होता है, जब वो सबको छाया भी देता है और सारी परेशानियों को भी ख़त्म कर देता है, नीम का पौधा ऐसा होता है दोस्तों, तो मंगल जो है वो बहुत अच्छा होता है, आपको इसके शुभ रिजल्ट ही मिलेंगे दोस्तों। सो ये नीम का जो उपाय है, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। आज का वीडियो यहीं तक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।